गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को लाइंस लिखवाऊंगी ग्लोरियस फूड पर विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ यहाँ लिखी गई हर एक लाइन का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्लोरियस फूड यानी गौरवशाली भोजन। गौरवशाली भोजन क्या होता है? शानदार भोजन। स्टार्ट करते हैं। फूड ग्लोरियस फूड यानी भोजन शानदार भोजन। फूड कैन चेंज आवर मूड यानी जो फूड है जो भोजन है वो हमारे मूड को बदल सकता है चेंज कर सकता है। वैल्यू इट वी मस्ट। वैल्यू मतलब मूल्य यानी इसका मूल्य हमें पता होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट इवन अ क्रस्ट यानी क्या बोला है? आइए एक पापड़ी भी बर्बाद ना करें। मतलब हमें फूड से रिलेटेड कुछ भी वेस्ट कुछ भी बर्बाद नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं। कीप योर प्लेट ऑलवेज लाइट। तो आप लोगों को यहाँ सजेशन दिया गया है कि अपने प्लेट को हमेशा हल्का रखें। लाइट मतलब हल्का और वेस मतलब हमेशा। आगे पढ़ते हैं। रिलिश इट टिल द लास्ट बाइट यानी आखिरी निवाला तक इसका आनंद ले। यानी आपको आखिरी निवाले तक इसको इंजॉय करना है इसका आनंद लेना है। आखिरी निवाले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लास्ट बाइट। लार्ज पोर्शन लुक सो कर यानी अगर हम लार्ज पोर्शन की बात करें बड़े हिस्से बहुत कच्चे लगते हैं तो उनको यहाँ कैसा बताया गया है? लार्ज पोर्शन को कि वो बहुत कच्चे लगते हैं। एंड वेस्टिंग फूड इज़ रियली रूड यानी और खाना बर्बाद करना क्या है? वास्तव में यानी सच में एक असभ्य है यानी एक रूड है। आगे पढ़ते हैं। वेस्टेज इज़ अ बिग अब्यूज। बर्बाद को यानी वेस्ट होने को क्या बताया गया है? एक बड़ा अब फीए है यानी उसे एब्यूसिंग बताया गया है। सो पुट द लेफ्ट ओवर्स टू यूज इसलिए बचे हुए को उपयोग में लाएं। लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ। यूज मतलब इस्तेमाल। आगे पढ़ते हैं। ईट ओनली एज मच एज यू नीड। नीड मतलब ज़रूरत यानी जितना चाहिए उतना ही खाओ। दिस वर्ल्ड हैज़ सो मैनी टू फीड यानी इस दुनिया में इतने हैं खाने को यानी हमें जितनी ज़रूरत है अपनी प्लेट में उतना ही रखना चाहिए उतना ही खाना चाहिए क्योंकि दुनिया में काफ़ी लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से अबाउट ग्लोरियस फूड होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।